मैं मौलाना साहब के हवाले से अर्ज़ करना चाहूँगा कि अल्लाह ने इनको जो मकाम दिया या जो इनसे अल्लाह ने काम लिया, तो उसमें से बहुत लोग हैं जो हमसे पूछते हैं ना जी एज ए औलाद, एज ए बेटा, कि जी आप हमें बताएं मौलाना का कोई ख़ास अमल बताएं, मौलाना का कोई ख़ास अमल बताएं जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको इतना मकाम दिया। तो उनके ज़हन में होता है, मैं कहूँगा जी मौलाना साहब सारा दिन नमाज़ पढ़ते हैं, सारा दिन तिलावत करते हैं, सारा साल रोज़े रखते हैं, या तहज्जुद में 1000 नफर, उनके ज़हन में ये जवाब होता है, ये वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन मेरा जवाब बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। मैं उनसे कहता हूँ कि जी मौलाना साहब एक पॉजिटिव इंसान, क्या है जी पॉजिटिव इंसान। तो मैं ये और यकीन माने मैं अर्ज़ करता होता हूँ बाबा के सामने ये बात कर रहा हूँ कि अगर कोई मुझे पूछे ना जी आप अपने मौलाना साहब का नाम चेंज करें तो क्या नाम रखेंगे, तो मैं कहता होता हूँ कि मैं मौलाना का नाम अगर चेंज करना पड़ जाए तो रखूँगा मौलाना मुस्बत जमील।